आइए एक और नया चैप्टर आज हम देखते हैं, नेचुरल एलर्जेंस। नेचुरल एलर्जेंस क्या होते हैं? दोज नेचुरल सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस द हाइपर सेंसिटिविटी आर कॉल्ड नेचुरल एलर्जेंस। दे आर इनसाइटिंग एजेंट ऑफ एलर्जी एंड दे capable to sensitize the body as unusual response। यदि हम natural allergens की बात करें तो actual में है क्या, ये एक तरह से natural substance ही है जो कि hyper sensitivity को produce करते हैं, किसी भी तरह की allergic reactions को ही produce करते हैं इनको, इसलिए इनको नेचुरल एलर्जेंस बोलते हैं। एक्चुअली नेचुरल कंपाउंडिंग है, बहुत सारे ऐसी हर्ब और मेडिसिन हैं जिनके कांटेक्ट में आने से या स्किन उनके कांटेक्ट में आ जाने से वो हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो शो करती है। एक्चुअल में हाइपर सेंसिटिविटी जो है आपकी बॉडी में किसी एंटीजन के आने की वजह से या कोई भी फॉरेन प्रोटीन जो कि बॉडी से मिलता जुलता हो या एंटीजन की तरह काम करे उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है जिसके लिए हम हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसे ढेर सारे नेचुरल कंपाउंड हैं जो कि हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी को प्रोड्यूस करते हैं या एक एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। कितने परसेंट होंगे जो कि किसी खास फूड या किसी फ्लेवर या स्मेल के लिए या कोई भी नेचुरल सुगंध है उसके लिए या किसी खास फ्रूट के लिए फ्लावर के लिए उनमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, एलर्जी प्रोड्यूस रहती है। ये अपने बॉडी के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका इम्यून सिस्टम उस पर्सन का किस हर्बल प्रोडक्ट के लिए या उस फाइटो कंटेंट के लिए एलर्जी प्रोड्यूस करता है, ये एलर्जिक रिएक्शन उसका ऑन डिपेंड करता है। दे आर इनसाइटिंग एजेंट ऑफ एलर्जी, एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है, और ये जो है सेंसिटिविटी को भी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी की। यदि हम इसके और कैरेक्टर यदि हम देखें तो कौन कौन है, दे में बायोलॉजिकल केमिकल और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड, ये बायोलॉजिकल कंपाउंड भी हो सकते हैं या फाइटोकेमिकल भी हो सकते हैं या फिर सेमी सिंथेटिक कंपाउंड भी हो सकते हैं लाइक पोलेंस एरोमा डस्ट इत्यादि एक्सेट्रा। तो यदि हम देखें पोलन्स यानी परागकण, परागकण जो है वो हर एक के लिए जितने भी एनिमल किंगडम है सबकी हम बात करें तो सबके लिए एलर्जी ही प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि पोलन्स जो परागकण है उनका कहीं भी बॉडी में किसी भी तरह से यूज नहीं है। एरोमा जो है बहुत सारे फ्लावर में जो एरोमा रहती है खुशबू उनकी रहती है वो भी एलर्जी प्रोड्यूस करती है। डस्ट सभी के लिए, तीनों ही कंपाउंड इस तरह के हैं जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का एक्टिविटी को शो करते हैं और नेचुरल एलर्जेंस की कैटेगरी में है। केमिकली दे आर प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, मैंने आपको पहले बताया है कि केमिकल इनका नेचर कुछ इस तरह का है कि बॉडी में ये टिश्यू एमिन को एक्टिवेट करते हैं तो अपने आप में प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन है विच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो हमारी बॉडी में एलर्जी को या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो हो चुकी है उसको शो करते हैं। एमिन या हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है तो ये हमारी बॉडी में जब प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन जैसे ही एंट्री लेते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एंटीजन की तरह काम करने लगते हैं। ओके आइए हम इसके टाइप देखते हैं। पहला टाइप है इनहेलेटेंट, इनहेलेंट जो है इनहेलेंट एलर्जेंस जो है वो क्या है, एक फर्स्ट टाइप है ऐसी एलर्जी जो कि इनहेलेशन की वजह से होती है जैसे डस्ट है वो भी इनहेलेशन के लिए है। दूसरा आपकी एरोमा है, बहुत सारी फ्यूम्स हैं जो कि आपकी इनहेलेंट एलर्जीन के लिए है। इंजेस्टेंट, इंजेस्टेंट में जो कि ऐसे फूड मटेरियल आपके हैं या ऐसे हर्ब हैं जो कि खाने की वजह से या खा लेने के बाद एलर्जी प्रोड्यूस करें वो इस कैटेगरी के हैं। इंजेक्टेंट इसमें आ जाएंगे कोई भी इंसेक्ट है मस्कीटो है जो भी है इंसेक्ट उनके काट लेने की वजह से जो एमीन्स है जो प्रोटीन्स बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से स्टामिन और एलर्जी प्रोड्यूस होती है।
कॉन्टेक्टेंट एलर्जेंस में यदि हम बात करें तो कुछ ऐसे हर्ब हैं जिनके केवल कॉन्टेक्ट में आ जाने की वजह से भी एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा जैसे गाजर घास है, वो यदि उसके कॉन्टेक्ट में भी स्किन आती है तब भी एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिसिन है। इन्फेक्शन की यदि हम बात करें तो इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार एलर्जी हो जाती है, जैसे कि डेंड्रफ आपका है, फंगल इन्फेक्शन है, इस वजह से भी एलर्जी हो जाती है। नेचुरल एलर्जेंस जो टाइप है उनका थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हमारा है इनहेलेंट एलर्जेंस जो है उसकी हम बात करें। इनहेलेंट एलर्जेंस क्या है? इनहेलेंट्स आर एयरबॉर्न सब्सटेंस और द केमिकल कॉजिंग द रेस्पिरेटरी एलर्जी। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एलर्जी प्रोड्यूस करें और ऐसे कंपाउंड जो कि इनहेलेशन के द्वारा हमारे लंग्स में जाते हैं और एलर्जी या हाइपरसेंसिटिविटी प्रोड्यूस करते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं इनहेलेंट एलर्जेंस के नाम से जिनको जाना जाता है। यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें से कौन से कंपाउंड है तो पोलेंस है, पैट्स है, डस्ट है, एरोमास है, जितनी भी फ्लावर से एरोमा है या पोलेंस है, पराक्रम जो है ये सभी डस्ट है, जैसे कि भूसे की डस्ट है, थ्रेसिंग के द्वारा जो निकलती ढेर सारे तरह से जो है जो कि इनहेलेशन के द्वारा जाते हैं। इनहेलेशन फ्रॉम द नोज एंड लंग्स कॉजेज द अस्थमा, वो अस्थमा प्रोड्यूस कर सकती है, एलर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, हाई कफ फीवर भी प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरी कैटेगरी हम देखें, हाँ इसमें जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया पोलेंस का, तो पोलेंस से इनको कम करने में जो हमारे बहुत सारे इंसेक्ट हैं, मधुमक्खियां हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि फ्लावर्स बहुत ही हायर क्वांटिटी में इनको प्रोड्यूस करते हैं। यदि मधुमक्खियां बाकी जो भी हैं बीज वगैरह हैं यदि इसको कंट्रोल ना करें, इसको ईट ना करें, वो इसको यदि नहीं खाएंगे तो इतने ज्यादा एटमोसफेयर में हमारे होंगे, एनवायरमेंट में आसपास इतने ज्यादा हो जाएंगे कि हर एक पर्सन के लिए एलर्जी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें थैंक्स भी बोलना चाहिए जितने भी इंसेक्ट हैं, इनका इतना नहीं कि डिसएडवांटेज है, एडवांटेज भी इनका बहुत ज्यादा है। आई दूसरी कैटेगरी देख रहे थे इंजेस्टन वाली, हम बात करें इंजेक्शन के द्वारा, खाने के द्वारा जो एलर्जी प्रोड्यूस होती है, दोज व्हाट इज द इंजेक्टेड इंजेस्टेड बाय माउथ प्रोड्यूस द एलर्जी रिस्पॉन्स लाइक द सोया सॉस एक्सट्रैक्ट, कोल्ड लिवर ऑयल, एग, सार्क लिवर ऑयल, पीनट्स एटसेट्रा, दे मे क्रिएट द फूड पॉइजनिंग, वोमिटिंग एंड अल्सर, पेप्टिक अल्सर भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे प्रोटिस्टा या नेचुरल सब्सटेंसेस जिसको खाने के द्वारा एलर्जी हो सकती है या वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होते हैं, जैसे कि रॉ एग हो गया, कच्चा एग है, ऐसे बहुत सारे कोल्ड लिवर ऑयल, सार्क लिवर ऑयल जिनको खा लेने के बाद हमें स्टमक में जो है काफी एलर्जी प्रोड्यूस हो सकती है या फूड पॉइजनिंग में भी वो कन्वर्ट हो सकता है, इस कंपाउंड को इस कैटेगरी में रखा गया है। फिफ्थ नंबर का हमारा इंजेक्टेंट एलर्जेंस है, ये क्या है? दोज इंजेक्टेबल प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड फ्रॉम इंसेक्ट्स कॉजेस एलर्जी इन हाइपर सेंसिटिव पर्सन The allergic condition is known injectable allergy. Example यदि हम देखें इसके तो bees, hornets, ant और भी other insects जो हैं वो। तो इस जैसे हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखें कि ऐसे injectable protein या amino acid जो कि किसी insect से लिए गए हों या insect के द्वारा inject कर दिए गए हों, वो किसी ऐसे पर्सन में जो पहले से ही कैसा है हाइपर सेंसिटिव पर्सन है, एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है उसमें, ये एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। द एलर्जी कंडीशन इज कॉल्ड इंजेक्टेबल, तब उसको हम इंजेक्टेबल एलर्जी बोलेंगे। ऐसे कितने सारे पर्सन हैं जिसको चींटी की काट लेने पे काफी एलर्जी हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, एडेमा, कई बार एरिथेमा तक इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है, रेडनेस आ जाती, इचिंग होने लगती, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो जो कंडीशन है आपकी इंजेक्टेबल एलर्जी के नाम से जानी जाती है। और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, मधुमक्खियां आपकी हैं और चींटियां हैं एंड और भी बहुत सारे जो भी हैं डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट हैं जिनके काट लेने से या उनके हॉर्न के इंजेक्ट कर लेने की वजह से भी क्या है एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। इचिंग है, एरिथेमा है, पीलिंग स्किन, स्किन पील हो जाती है,
हम कोर्स नंबर का देखते हैं, कॉन्टेक्ट एंड एलर्जेंस की हम बात करें, केवल कॉन्टेक्ट में आने की वजह से एलर्जी हो जाए। दोज कंपाउंड विच मैनिफेस्टेटेड हाइपर सेंसिटिविटी एट द साइट ऑफ टचिंग स्किन, जहां पे स्किन टच हो रही उस साइट पे एलर्जी प्रोड्यूस कर दें, ऐसे नेचुरल कंपाउंड जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको कॉन्टेक्ट एंड एलर्जेंस के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं केवल जिनके टच कर लेने की वजह से भी उस जगह पे इचिंग होने लगती है और एलर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। यदि हम इसके आगे और देखें तो बहुत सारे से प्लांट हैं, जैसे पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस, इसको गाजर घास बोला जाता है, ये जो है इसके टच में आने की वजह से भी शॉर्ट टर्म के लिए भी या लॉन्ग टर्म के लिए भी एलर्जी हो सकती है। फिफ्थ नंबर का हम देखें इन्फेक्टेड एलर्जेंस की यदि हम बात करें तो इन्फेक्शन हो जाने की वजह से एलर्जी होना, एलर्जी प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, हेलमेंथस, प्रोटोजोआस एंड फंगस। डिफरेंट टाइप के आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं जिनके ग्रोथ हो जाने की वजह से बॉडी में या उनके इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी एलर्जी हो जाती है। आपको एग्जांपल के तौर पर बहुत ही कॉमन एलर्जी की बात करें तो डेंड्रफ हो जाना, डेंड्रफ की वजह है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना, फंगस की ग्रोथ हो जाने की वजह से भी सेल हमेशा इचिंग खुजली होती रहती है, हेयर फॉल होने की भी वजह है। और भी डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया है जैसे कि हेलमेटिक्स की यदि हम बात करें, क्रिमी, अमीबा है, अमीबियोसिस प्रोड्यूस कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप के लिए जो है इस कैटेगरी में वो आते हैं।